Very good morning. Myself Dr. Shyam Kunjwal, Uttarakhand Open University, Department of Zoology. आज जो हम चर्चा करेंगे हमारा विषय जंतु विज्ञान विषय में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमने कोर्स अपना रखा हुआ है उसमें हमने नॉन कॉर्डेट्स को रखा हुआ है, और नॉन कॉर्डेट्स में जो हमने फाइलम रखे हुए हैं लगभग 10 फाइलम हमने वहाँ पर स्टडी के लिए रखे हुए हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो कॉर्डेट्स का हमने पार्ट रखा हुआ है उसमें हमने लगभग 8 फाइलम उसमें रखे हुए हैं वो कॉर्डेट्स के। तो सबसे पहले हम जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच में जो डिफरेंस हम सबसे पहले इसमें बताएंगे कि इनवर्टिब्रेट क्या है और वर्टिब्रेट्स क्या है। तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, यानी जहाँ पर हम इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं वहाँ पर हम नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं, और जहाँ पर हम कॉर्डेट की बात करते हैं वहाँ पर हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि जो नॉन कॉर्डेट्स है और इनवर्टिब्रेट है, इन दोनों में शब्द एकदम समानार्थी जरूर लगते हैं दोनों एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के समानार्थी ये है नहीं साइंटिफिकली अगर हम देखें। चूँकि कॉर्डेट्स मीन्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स होती है उसको हम कॉर्डेट कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम्स मीन्स एनिमल विथ बैकबोन्स, एनिमल विथ बैकबोन्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट, एंड वर्टिब्रेट इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। दे कैन बी फाउंड इन जस्ट अबाउट एवरीवेयर इन द, जैसे हम कहते हैं कि समुद्र में मिल सकते हैं, रिवर्स में मिल सकते हैं, फॉरेस्ट में मिल सकते हैं, माउंटेन्स में मिल सकते हैं, डेजर्ट में मिल सकते हैं। और इन जंतुओं में जो बैकबोन्स होती है उस बैकबोन के आधार पर इनको अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कॉर्डेट्स में हम कहते हैं कि एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं, और इनके सबके करेक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो जो कॉर्डेट होता है, यानी पूरे अगर जंतु जगत में हम देखते हैं तो पूरे जंतु जगत में लगभग 12 से 15 लाख प्रजातियां होती हैं। अगर 12 से 15 लाख, वैसे इससे भी कई 7-8 गुना ज्यादा प्रजातियां थी जो आज विलुप्त तो हो चुकी हैं, लगभग पहले 80 से 90 लाख प्रजातियां उपस्थित रही होंगी। अब वो धीरे धीरे विलुप्त होते होते लगभग 12.5 लाख के करीब आ पहुंची हैं। अब उस 12.5 लाख में अगर हम देखते हैं इनवर्टिब्रेट में, उस 12.5 लाख में तो ये मान के चलिए पूरे जंतु जगत में कि 5% कॉर्डेट है, यानी लगभग 50,000 जो प्रजातियां हैं वो कॉर्डेट्स की रही, और बाकी के यानी जो 95% जो रहता है वो इनवर्टिब्रेट का रहता है, यानी नॉन कॉर्डेट्स का रहता है। जो नॉन कॉर्डेट्स को हम परिभाषित करेंगे, नॉन कॉर्डेट्स का मतलब है कि जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स नहीं होती, अर्थात जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका अनुपस्थित होना, और जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है वो आपका कॉर्डेट कहलाता है। अब सारे जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो इनवर्टिब्रेट हो सकते हैं, लेकिन सारे इनवर्टिब्रेट वो नॉन कॉर्डेट नहीं हो सकते। इसका उदाहरण हमें प्रोटोकॉर्डेट्स में मिलता है। प्रोटोकॉर्डेट्स में क्या होता है कि वर्टिब्रल कॉलम होती है, लेकिन उस वर्टिब्रल कॉलम से उसके शरीर का विकास नहीं हो पाता है। तो अर्थात वर्टिब्रल कॉलम है तो इस लक्षण के अनुसार उसको हमने कॉर्डेट में रखना चाहिए था। चूंकि उसमें वर्टिब्रल कॉलम है लेकिन उस वर्टिब्रल कॉलम से उसके शरीर का विकास नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब वो इनवर्टिब्रेट हो गया है, तो उसको हमने इनवर्टिब्रेट उपसंग में रखा हुआ है। तो ये जो अंतर है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में, इस अंतर को देखते हुए ये एक सबसे बड़ा माध्यम होता है कि जो कॉर्डेट करेक्टर होता है, जो एक बैकबोन उसकी जो होती है, जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को, जंतु जगत को पूरे दो भागों में विभक्त करता है। सिर्फ इस लक्षण के आधार पर हम देखते हैं कि ये कॉर्डेट्स हैं और ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अन्य जो आधार हैं इनको डिफरेंस करने के, चाहे हम शेप एंड साइज से करें, चाहे हम सीलोम कैविटी के बेस पर करें, चाहे हम रेस्पिरेशन के बेस पर करें, तो ये अन्य लक्षण हैं, ये अन्य करेक्टर्स हैं, जो अन्य बेसिस हैं जिनके आधार पर हम उसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं या अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।
अब जैसे कॉर्डेट्स में हमने अभी बताया कि इसमें कॉर्डेट में जो है एम्फीबियंस है, बर्ड्स है, मैमल्स है, फिश है, रेप्टाइल्स है, ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट रहती हैं। तो अब जैसे फिश है, फिश एक कॉर्डेट में है और फिशेस दीज आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड दे कम इन मैनी साइज एंड शेप। किसी का शेप कुछ और होता है, किसी का साइज कुछ और होता है और स्केल्स इनकी बॉडी पर लगे होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। फिन्स इनके पास होती हैं जो स्टीयर करने के लिए, तैरने के लिए और पानी में जो बैलेंस बनाने के लिए फिन्स लगी होती हैं। बॉडी टेम्परेचर अगर आप फिश का देखें वो भी वेरी करता है वाटर में। गिल्स होते हैं इनके पास जिनके द्वारा ये सांस श्वसन क्रिया करते हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस में जिसमें फ्रॉग की स्टडी करते हैं, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है उनके सराउंडिंग के हिसाब से वेरी करता है एंड दे हैच देयर एग एंड दे कैन लाई ऑन द लैंड एज एन एडल्ट के फॉर्म में। यंग एम्फीबियंस दे ब्रीथ थ्रू द गिल्स, जैसे मछली में होता है वैसे फिश में उसी प्रकार से इसमें भी होता है। और जो एडल्ट फ्रॉग में होता है या एडल्ट एम्फीबियंस में होते हैं, दे ब्रीथ एयर फ्रॉम लंग्स। किसी में मॉइस्चराइज स्किन होती है, स्किन के थ्रू उसमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन के थ्रू होती है। इसके अलावा रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के अगर हम जनरल करेक्टर से थोड़ा सा ध्यान दें तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, रेप्टाइल्स ड्राई स्केल स्किन इनके पास होती है। दे इंक्लूड्स मैनी एनिमल्स एज लार्ज एज जैसे क्रोकोडाइल्स है, ये सब रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। इनका भी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दियर एनवायरमेंट। हॉट प्लेस पर रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं एंड वार्म प्लेस पर रहते हैं, वेट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी रहते हैं। इसके अलावा बर्ड्स हैं, मैनी स्पेसीज ऑफ द बर्ड्स, लगभग 9000 जो स्पेसीज हैं बर्ड्स की वो अभी नोन है। हार्ड सेल एग इनका जो करेक्टर्स होता है, इनकी जो चिड़िया के जो एग होते हैं वो बहुत हार्ड सेल का होता है जो घोंसले में जिनको ये हैचिंग प्रोसेस करते हैं। बर्ड्स आर द वर्टिब्रेट that have the wings and they are covered with the feathers. No other animals has these features except the birds. And the skeleton is very light in weight and this helps them to fly. And they range in size from the small as your fingers or as large as humans. Next, mammals hain. Mammals mein जो जनरल करेक्टर्स हम अगर स्टडी करते हैं, द वाइड रेंज ऑफ द एनिमल्स दे इंक्लूड्स एप, लायंस, कंगारूज, बैट्स, ये सब मैमल्स में आते हैं। दे आर यंग, ग्रो इनसाइड द मदर एंड ह्यूमंस आर मैमल्स बट दे हैव मोर हेयर देन वी डू। दे हैव कीप्स द एनिमल्स वार्म, दे फीड मिल्क टू देयर यंग्स। सो दीज आर द जनरल करेक्टर्स ऑफ द मैमल्स। इसके अतिरिक्त इनवर्टिब्रेट, ये जो हम अभी तक बता रहे थे आपको, ये सारे कॉर्डेट के थे जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिनका विकास वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू होता है। इनवर्टिब्रेट दे डू नॉट हैव द बैक बोन्स, जो सबसे मुख्य लक्षण है। अराउंड 95% 95-97% ऑफ द एनिमल किंगडम इज मेड अप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड सम कैन बी फाउंड इन द पॉन्ड्स ओशंस एंड अदर वाटर एनवायरमेंट एंड द इंसेक्ट एंड सम अदर इनवर्टिब्रेट हैव द एक्सोस्केलेटन्स। ऑर्थोपोड सबसे जो लार्जेस्ट होता है, अगर आप लगभग देखें कि जैसे कि अभी हमने बताया 12.5 लाख जो स्पेसीज हैं वो इन्वर्टिब्रेट या जंतु जगत की पूरी हैं, जिसमें से 5% ओनली कॉर्डेट्स की होती है। लगभग 50,000 प्रजातियां मान के चलते हैं, बाकी के जो 12 लाख प्रजातियां यानी जो 95% होता है वो इन्वर्टिब्रेट का होता है। और उसमें भी लगभग 10 लाख से अधिक प्रजातियां ऑर्थोपोड्स की। सो ऑर्थोपोड इज द लार्जेस्ट वन एंड उसमें भी लगभग 90,000
अगर हम देखते हैं प्रजातियां, तो वो इंसेक्ट की होगी। एक्जोस्केलेटन, अभी जस्ट मैंने जैसे बताया इंसेक्ट एंड सम अदर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास एक्जोस्केलेटन होती है। तो एक्जोस्केलेटन इज ए हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द एनिमल्स बॉडी एंड गिव इट सपोर्ट। अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं, देर आर सिक्स ग्रुप ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स जिसमें हम स्पॉन्ज की स्टडी करेंगे। स्पॉन्जेज में दे लुक लाइक द प्लांट बट दे आर द एनिमल्स एंड दे फिक्स इन वन प्लेस। देयर बॉडी आर फुल ऑफ होल एंड देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द स्पाइकी फाइबर्स एंड वाटर फ्लो थ्रू द होल ऑफ देयर बॉडी विच एनेबल देम टू कैच द फूड। कोरल्स, हाइड्राज, जेलीफिश, जितने भी सेलोंट्रेट्स और एलिया वगैरह जेलीफिश वगैरह आते हैं, ये सब इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। कोरल्स बिल्कुल प्लांट की तरह दिखने वाले बट दे बिलोंग टू द एनिमल किंगडम्स, हैविंग एक सॉफ्ट ट्यूब लाइक बॉडीज विद सिंगल ओपनिंग अराउंडिंग द आर्म लाइक पार्ट दैट इज कॉल्ड टेंटेकल्स। जो टेंटेकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, उस टेंटेकल्स की सहायता से जो ये अपना फूड मटेरियल से जो है उसको कैच करते हैं एंड दे फीड द कैचिंग टीनी एनिमल्स इन देयर टेंटेकल्स लाइक हाइड्राज। हाइड्रा में जो टेंटेकल्स होते हैं, उसी टेंटेकल्स की सहायता से जो हाइड्रा होते हैं वो अपना फूड मटेरियल्स को लेते हैं। जेलीफिश, जेलीफिश कैच द श्रिंप, फिश एंड अदर एनिमल्स इन द टेंटेकल ऑल्सो। इसके अतिरिक्त वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स एंड सेगमेंटेड वॉर्म्स एंड दीज वॉर्म्स आर द ट्यूब शेप्ड इनवर्टिब्रेट्स विच अलाउ देम टू बी पुट इन टू द ग्रुप्स एंड दे कैन बी फाउंड इन द बोथ लैंड एंड वाटर एनवायरमेंट। फ्लैट वॉर्म्स दे हैव द हेड एंड टेल एंड फ्लैट एंड बॉडीज। टेप वॉर्म इज अ फ्लैट वॉर्म दैट कैन लाइव इन साइड द ह्यूमन बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। It can cause you to become sick also. Roundworm, they have round bodies. They live in the damp place and they can also live inside the human and other animals. They too can make people and other animals sick also. Segmented worms like earthworms. Earthworm belong to this group of the worms. Their body is divided into segment or section. Jaise leech jonk mein hota hai. बॉडी सेगमेंटेड होती है, अलग अलग खंडों में विभाजित रहती है और सभी खंडों के अलग अलग कार्य होते हैं। दे प्रिफर द ब्यूरोइंग थ्रू द मॉइस्ट सॉइल एंड दिस अलाउ देम टू मूव इजली एंड इट कीप देम फ्रॉम द ड्राइंग आउट। स्टारफिश, सी अर्चिन, स्टारफिश जिसमें आते हैं, इकाइनोडर्मिट्स फाइलम जो आता है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट दैट हैव टीनी ट्यूब फीट एंड बॉडी पार्ट्स अरेंज अराउंड इट्स सेंट्रल एरिया। And starfish has the five arms and no head. The hard spiny covering of the starfish gives the animals protection. Sea urchin, it belongs to this same group. Its body is covered with the spines. And mollusk, mollusk ka characters, jisme CP ityadi ki hum ka adhyayan karte hain. Mollusk has the hard shell, a rough tongue, muscular foot. These are the general characters of the mollusk. Snail is a mollusk with a single hard shell. Their hard cell are so small, but they are inside their bodies. And the largest one, this is arthropod. Arthropods are a group of the invertebrate with jointed leg and hard exoskeleton that protect the arthropods. As it grow, it molds or sheds its old exoskeleton, then it grow a new exoskeleton that allow its body to continue to grow. A lobster is an arthropod, like the largest group of arthropods are insects. Isme insect, spider, centipedes, millipedes, this is the only invertebrate that can fly. The insect have the bodies divided into the three parts and six legs, and the spider have the jointed leg
जिसमें 8 लेग होते हैं, जॉ एंड फैंग्स. सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स आर ऑल्सो आर्थ्रोपोड्स. सेंटीपेड्स यूज इन मैनी लेग्स टू रन फ्रॉम द एनिमीज. थैंक यू वेरी मच.